आज के टॉपिक में मुझे इस पर बात करनी कि डर घबराहट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिव, पावरफुल, स्ट्रांग, एनर्जेटिक, फुल हैप्पीनेस के साथ अपने आप को आप मेंटेन कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको आज समझनी है। तो सबसे पहली बात क्या समझनी है कि कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव फीलिंग, डर घबराहट आपकी एक सोच है जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में भर के रखी है। अब सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है कि अंदर जो डेटा आपने भरा हुआ है, अंदर जो मटेरियल्स, अंदर जो सामान आपने भर के रखा है, बस वही बाहर निकालना है। यानी कि जब भी आप फ्री होते हैं तब आपका दिमाग अंदर जो सोच भरी है उसको ही बाहर निकलता है, अंदर से वही सोच पैदा करता है। तो आपको ये नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थिंकिंग आने ही वाला है, अंदर से आप डर घबराहट महसूस करने ही वाले हैं, क्योंकि आपका स्टोरेज ही नेगेटिव हो चुका है, आपका स्टोरेज ही डर घबराहट का हो चुका है। तो इसके लिए आप कुछ भी करेंगे, चाहे कितने भी दवाई लेंगे, मन्नत करेंगे, धागा बांधेंगे, ब्लैक मैजिक कराएंगे, जब तक अंदर का मटेरियल्स नहीं बदलेगा, अंदर की जो थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगी, तब तक आपके अंदर कोई सुधार हो ही नहीं सकता। इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से दवाई ले रहे हैं, बहुत सारे इलाज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी सुधार है ना आपके अंदर, यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने भर दिया है, वो चेंज करने के बाद ही होगा। और चेंज करने का तरीका है केवल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस, और साथ साथ इसमें जो भी NLP प्रैक्टिस करते हैं, आपको काउंसलिंग दिया जाता है, वो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जिन लोगों का सुधार नहीं हुआ है उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उसको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ, हमारी डर घबराहट क्यों ठीक नहीं हुई। ये कोई निराश होने की बात नहीं है। ये इसलिए नहीं हुआ कि आपने सही कदम नहीं उठाए थे, आपने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया था, इसलिए आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। इसके लिए करना क्या है? बस करना यही है, आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, दिमाग में नेगेटिविटी या डर घबराहट इसलिए रहता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है। जो भी प्रॉब्लम इसकी लाइफ में चल रही है वो फेस नहीं कर पाता है, इसके सामने लड़ नहीं पाता है, प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सकता है, तभी इसके माइंड में डर घबराहट आती है। तो डर घबराहट का इलाज आपको अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग, पावरफुल, मजबूत बना के ही आप कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, तो आप कोई भी डर घबराहट का आप इलाज कर सकते हैं। कोई भी डर घबराहट से आप बाहर निकल नहीं वाले हैं, पक्का। आप कमज़ोर क्यों हुए पहले सोचो, पहले तो आप बचपन से तो ऐसे नहीं थे, बचपन से कोई पैदाइशी कमज़ोर डरपोक नहीं होता है, बचपन से सब एक समान नॉर्मल ही पैदा होते हैं। लेकिन आप जो डरपोक बनते हो, आप कमज़ोर बनते हो, तो कोई हालात की वजह से बन रहे हो, कोई परिस्थिति की वजह से आप डरपोक बने हो। तो इसमें परिस्थिति यही है कि कोई चीज़ आपके माइंड में लंबे समय चली, कोई नेगेटिव थिंकिंग लंबे समय चली, तो आपको कमज़ोर बना देगी। फिर कमज़ोर माइंड को, कमज़ोर दिमाग को हर चीज़ में डर घबराहट लगती है, हर चीज़ में वो नेगेटिव रहता है, हर चीज़ में वो डाउट करता है, हर चीज़ में वो कंफ्यूज रहता है, हमेशा इसके अंदर एक अनहोनी का डर रहता है, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कुछ चला जाएगा, सब लूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमेशा इसी सोच चलती रहती है। इसकी वजह यही है कि दिमाग कमज़ोर हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबे समय नेगेटिव थिंकिंग से। तो इसके सॉल्यूशन में बस इतना ही करना है कि आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है, सक्षम बनाना है। इलाज के नाम पर आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, बस खुद को सक्षम बना सकते हो, बाकी और कोई चीज़ करना ही नहीं है आपको। चाहे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, OCD है, इंसोमनिया है, चाहे दुनिया भर की कोई भी मानसिक बीमारी है, आपको खुद को सक्षम बनाना, बस यही काम है आपका, आपकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। अब सवाल यह है कि सक्षम बनाएं कैसे? तो सक्षम बनने के लिए आपको आपके अंदर जो भी कुछ कमी है हटाने के लिए आपके अंदर आपको ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपके अंदर आपको शक्ति का एहसास करना है। कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक होने के लिए या डर घबराहट ठीक करने के लिए खुद को शक्तिशाली महसूस करना है। क्या महसूस करना है? यस, आप खुद को ये ठहराए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आप शक्तिशाली हैं, ऐसा एहसास मन में पैदा होना चाहिए। मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मेरे बहुत सारी ऊर्जा है। ये सोच आप पैदा करते हैं या एहसास आप मन में चलाते हैं, तो आपकी हर समस्या ठीक हो जाएगी।
लेकिन ऐसा करने के बजाय लोग उल्टा करते हैं। उल्टा ने क्या कि कंफ्यूज क्या करेंगे लाइफ में, कैसे करेंगे, कुछ भी सामने भविष्य नहीं दिख रहा है, कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लाइफ सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक कैसे होंगे, ये सब समस्याएं हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं। तो ठीक होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मैक्सिमम टाइम मन में आपके अंदर शक्ति का एहसास करना है, यानी मैं शक्तिशाली हूँ वो फीलिंग करना है पूरा दिन, अगर संभव है तो पूरा दिन होना चाहिए। लेकिन जब तक आप बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो शायद वो नहीं होगा। लेकिन जब भी आप फ्री हुए, कोई कामकाज से आप फ्री हुए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आंखें बंद करके खुद को शक्तिशाली महसूस करना है। तो इसके लिए जो तरीका है, जो थेरेपी है या साइंटिफिक तरीका, वो ऐसे है, बस आंखें बंद करके आपको लंबी गहरी सांस भर के आपके अंदर सफ़ेद ऊर्जा का संचार हो रहा है वो फीलिंग करना है। फीलिंग करने के लिए इमेजिन करना है, ऐसे इमेजिन करना है कि आपको दूर, आपका जो रियल बॉडी है इससे दूर एक आपका इमेजिन बॉडी है। आप आंखें बंद करके अपने आप को एक और कमरे में देखेंगे या आप गार्डन में देखेंगे एक और शरीर को। अब शरीर आपका इतना क्लियर नहीं दिखेगा जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो, जितनी आपको क्लियर दिखता है आपका चेहरा, आंखें, नाक, ऐसा कुछ क्लियर नहीं होता। प्रैक्टिस में जो आपका शरीर दिखेगा इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, बस इसमें इमेजिन में बस धुंधला धुंधला आपका शरीर है, धुंधला धुंधला आप देख रहे हैं कि उस पर प्रकाश आ रही है, बस इमेजिन हो रहा है। बस इसमें जो है मेन चीज में फीलिंग है कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं कि आपके शरीर के ऊपर सफेद प्रकाश आ रही है, आपके शरीर में सफेद प्रकाश प्रवेश कर रही है, वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है, वो भगवान की, गॉड की ब्लैसिंग है, वो अल्लाह की ब्लैसिंग है जो आपके शरीर में आ रही है, और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाली, समाधान करने वाली शक्तियाँ सफेद प्रकाश के रूप में आपके शरीर में आ रही है। सफेद ऊर्जा है आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए कैपेबल है। सफेद ऊर्जा आपकी हर समस्या का समाधान कर रही है, करने वाली है, ये सोच होनी चाहिए। तो ये बहुत आसान तरीका है लेकिन कारगर तरीका है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इसकी आपको आदत डालनी है। अब तक हमारी आदत क्या है, जैसे ही फ्री हुए बस नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएंगे, नेगेटिव एहसास में चले जाएंगे, शिकायत करने लगेंगे, बस यही हमारी आदत थी और यही आज तक हम करते आए हैं। आज से उसको बदलना है। जैसे ही आप फ्री होते हैं आंखें बंद करके लंबी सांस लीजिए, 5-7 लंबी सांस लीजिए और फील कीजिए कि आपके शरीर के ऊपर सफ़ेद ऊर्जा आ रही है, आपको शक्ति प्रदान कर रही है, आपकी पूरी बॉडी में ऊर्जा बह रही है, आपकी पूरी बॉडी में ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपको शक्तिशाली बना रही है, सफ़ेद ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है, आप शक्तिशाली बन रहे हैं। पूरी बॉडी के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, बॉडी के अंदर क्या लग रहा है, आपको क्या फील आ रहा है, सफ़ेद प्रकाश की अनुभूति आपकी पूरे शरीर में हो रही है, बस वो आपको देखना है। कुछ मिनट से ये प्रैक्टिस चलेगा, बस 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, बस इनफ। आपने दिन में ऐसा 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीटेशन किया, बस आपने आपके अंदर ऊर्जा भर ली, आपने आपके अंदर शक्तियां भर ली, आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कमजोर हो ही नहीं सकते। यानी कि ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग, एकदम रिजल्ट देने वाली चीज है। मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअली साइंटिफिक है, बहुत सारी जगह पर इस तरह की बातें बताई गई हैं, लेकिन वो बताता नहीं हमें, तो हमें पता नहीं चला या हमें किसी ने करवाया नहीं, तो ये एक अलग बात होगी। इससे हम कमज़ोर रह गए, इससे हम नेगेटिव रह गए। लेकिन ये चीज़ें जब आप करने की कोशिश करोगे और रेगुलर करोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी सोच क्या रहती है, आपका एहसास क्या रहता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या रहता है, आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है, आप खुद को अनुभव होगा। लेकिन ये करने की ज़रूरत है, बस बैठे बैठे सोचेंगे कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँ, मैं पॉजिटिव हो जाऊँ, मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस इसके लिए सिंपल तरीका है, यानी कि आपको भी, जो आप यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं और जो लोग YouTube में वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए एक बात है कि अगर आपको कभी भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, डर घबराहट आ रही है, तो कोई टेंशन लेने का नहीं। अभी जो सिंपल प्रैक्टिस आपको बताया, बस वही आपको करना है और बार बार करना है, संभव हो तो हमेशा करना है। इसके लिए कोई खर्च नहीं होगा, कोई पैसा आपको देना नहीं है,
बस सोच पैदा करनी है कि मेरे ऊपर शक्ति का संचार हो रहा है, मेरे ऊपर ऊर्जा का संचार हो रहा है, मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं शक्ति से भर रहा हूँ। बस इसी तरह से बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूँ, बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति बन चुका हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस व्यक्ति बन चुका हूँ, हर समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति बन चुका हूँ, हर समस्या के अंदर डट कर खड़ा रहने वाला व्यक्ति बन चुका हूँ, कोई समस्या कभी मुझे हिला नहीं सकती। ये आपकी सोच बनेगी और सोच बनेगी तो सब कुछ हो गया। अगर आपकी ऐसी सोच बन गई तो सब कुछ आपके लिए सही हो गया, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो गया, कोई समस्या रहने वाली नहीं है। लेकिन ये करना है और लंबे समय करना है। ये प्रैक्टिस हम दे ही रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं, जब आप अकेले हैं, जब आप हमसे दूर हैं, तब आपको ये खुद करना है। हम दे रहे हैं तब तक तो आप पॉजिटिव हैं, समस्या तब आती है कि जब आप अकेले हैं और आप नेगेटिव होते हैं। और ज़्यादा ये होता है अकेले हैं आप तो नेगेटिव हो ही सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए मैं आपको आज प्रिपरेशन में आपको ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कभी अकेले हैं, समस्या आ रही है, तो आप ये चीज़ें करने की कोशिश करोगे। आज तक आप अकेले में ऐसा नहीं किए, मुझे पता है, कभी ऐसा आपने कोशिश किया था अकेले में बैठकर बस सांस भर के ऊर्जा की अनुभूति करो, ऊर्जा का संचार करो, कभी किया आपने ऐसा? नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, इसलिए कमजोरी है। लेकिन मैंने कभी वो कमजोरी वाला फीलिंग नहीं किया, अकेला हूँ या किसी के साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई भी, कभी भी प्रॉब्लम की गहराई में जाना ही नहीं है, प्रॉब्लम 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 कभी करना नहीं है, कभी कोई शिकायत करनी नहीं है। जैसा कोई प्रॉब्लम आएगा बस उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, जो भी हो सकता है कर लेंगे। मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं होना है, प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, प्रॉब्लम का समाधान करने की शक्ति मुझे चाहिए तो बस मैं पैदा कर लूँगा, शक्ति मैं हासिल कर लूँगा, जितनी ऊर्जा चाहिए इतनी मैं संचारित कर लूँगा। बस कुछ ही प्रैक्टिस करना है इसके लिए, इसके लिए बस थोड़ा ही प्रैक्टिस करना है, बस इतनी सिंपल चीज़ें हैं, बस करके देखो। यानी कि आज के बाद आप तय कर लेंगे कि कभी भी आप अकेले हैं, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, कोई भी डर घबराहट आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यूस नहीं करेंगे, तुरंत अभी जो प्रैक्टिस बताया आप तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। कर सकते हैं? सारे सारे। चलो ठीक है, आज से शुरू करो।